आज मीडिया विजन चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हमारे बीच हमारे जनपद के, हमारी माटी के, हमारी परिपाटी के एक ऐसे शायर आपके बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी माटी, अपने देश की ख्याति अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने गीत गजलों के माध्यम से पहुँचाने का काम किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब आपका स्वागत करें। हमारे बीच में भाई डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी हैं जो अनुज प्रकाशन के रूप में भी काम कर रहे हैं, प्रोप्राइटर अनुज प्रकाशन, और एक बड़े शायर हैं। आपकी एक एक शेर बेशकीमती शेर आप लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहूँगा कि भाई डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी हमारे बीच हैं, अपनी कुछ गजलों के, कुछ शेर के माध्यम से हमारे बीच आए भाई डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी। सबसे पहले तो मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ आप सबकी समातों के हवाले कि गजल के वास्ते मैं फिक्र को बेताब करता हूँ। गजल के वास्ते, गजल के वास्ते मैं फिक्र को बेताब करता हूँ, लहू देकर जिगर का फिर इन्हें शादाब करता हूँ। क्या बात, गजल के वास्ते मैं फिक्र को बेताब करता हूँ, लहू देकर जिगर का फिर इन्हें शादाब करता हूँ। और हिफाजत जो भी करते हैं अदब की और अदीबों की, हिफाजत जो भी करते हैं अदब की और अदीबों की, झुकाकर पहले अपना सर उन्हें आदाब करता हूँ। क्या बात, झुकाकर पहले अपना सर उन्हें आदाब करता हूँ। और चार मिसरे अपनी पहचान के भी आपके स्टूडियो में रखना चाहता हूँ कि मैं वो बेटा हूँ हिंदी का, मैं वो बेटा हूँ हिंदी का, मैं वो बेटा हूँ हिंदी का जिसे उर्दू ने पाला है। क्या मैं वो बेटा हूँ बहुत शुक्रिया रूप साहब की, मैं वो बेटा हूँ हिंदी का जिसे उर्दू ने पाला है और मुझे उर्दू ने ही तहजीब के सांचे में, मैं वो बेटा हूँ हिंदी का हिंदुस्तान जिसे उर्दू ने पाला है, मुझे उर्दू ने ही तहजीब के सांचे में ढाला है और मिटा देती है सीनों से ये नफरत के अंधेरों को, मिटा देती है सीनों से ये नफरत के अंधेरों को, ये खुशबू है मोहब्बत है उजाला ही उजाला, मिटा देती है सीनों से, मिटा देती है सीनों से ये नफरत के अंधेरों को, ये खुशबू है मोहब्बत है उजाला ही उजाला है। और चार पंक्तियां अनुज जी, मैं राष्ट्र वंदना के नाम, चार राष्ट्र के नाम प्रेषित करता हूँ, आपका प्यार मिले कि जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम, जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम बुलंदी पर हमारे मुल्क का झंडा। क्या बात, जहाँ में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा रहे हरदम, बुलंदी पर हमारे मुल्क का झंडा रहे हरदम, और भले हम जान इशारों का निशा मिट जाए दुनिया से, वतन जिंदा रहे, जिंदा रहे। क्या बात, भले हम जान इशारों का निशा मिट जाए दुनिया से, वतन जिंदा रहे, जिंदा रहे हरदम। चार पंक्तियां और सुनिएगा अनुज साहब के, बहुत सारी गजलें, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे गीत सुनने को मिलते हैं। जब कोई श्रृंगार की बात उसमें आती है तो मुझे अपने ये चार मिसरे याद आते हैं, आपकी महफिल में रखता हूँ कि कुर्सियों की, ताज की, दस्तार की बातें करें, कुर्सियों की ताज की दस्तार की बातें करें और फर्ज से गाफिल रहें अधिकार की बात। क्या बात, कुर्सियों की ताज की दस्तार की बातें करें, फर्ज से गाफिल रहें अधिकार की बातें करें, और मुल्क में जिंदा जलाई जा रही हैं बेटियां, सुनिएगा दोस्तों, मुल्क में जिंदा जलाई जा रही हैं बेटियां हम गजल में किस तरह श्रृंगार की बात, क्या बात, मुल्क में जिंदा जलाई जा रही हैं बेटियां, जिंदाबाद, हम मुल्क में जिंदा जलाई जा रही हैं बेटियां, श्रृंगार की बातें करें और चार मिसरे, हम गजल में किस तरह श्रृंगार की, बहुत शुक्रिया जी। क्या बात, मीडिया विजन के इस चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत कि कहां गुरूर से वो सर उठा के चलते हैं, कहां गुरूर से वो सर उठा के चलते हैं जो अहले ज़र्ब हैं गर्दन झुका के चलते, वाह
कहा गुरूर से वो सन उठा के चलते हैं, जो अहले जर्ब हैं गर्दन झुका के चलते हैं। और हमारे मुल्क में हैं अमन के वही दुश्मन, हमारे मुल्क में हैं अमन के वही दुश्मन जो लोग अमन का परचम उठा रहे हैं। क्या बात, हमारे मुल्क में हैं अमन के वही दुश्मन जो लोग अमन का परचम उठा के चलते हैं। और चार मिसरे सुनिए, एक बतला दो शेर अनूप साहब की, वो जो हर रिश्ता निभाता है अदाकारी के साथ, वो जो हर रिश्ता निभाता है अदाकारी के साथ कोई रिश्ता क्या रखे हम ऐसे व्यापारी के साथ, और रोशनी के घर में घुस आए अंधेरे एक दिन। रोशनी के घर में घुस आए अंधेरे एक दिन और फिर क्या क्या हुआ पूछो न बेचारी के साथ। रोशनी के घर में घुस आए अंधेरे एक दिन और फिर क्या क्या हुआ पूछो न बेचारी के साथ। कि अपने अपने काम पर दोनों निकल पड़ते हैं लोग, अपने अपने काम पर दोनों निकल पड़ते हैं रोज। हम इधर पौधे लिए और वो उधर आई के साथ। क्या अपने अपने काम पर दोनों निकल पड़ते हैं रोज, हम इधर पौधे लिए और वो उधर आई के साथ। और आखिरी चार मिसरे पेश करता हूँ अनूप भाई की, हमारे पांव अब मंजिल से पहले दम नहीं लेंगे, हमारे पांव अब मंजिल से पहले दम नहीं लेंगे। हमारी राह के रोड़े भले मैनाक हो जाएं, हमारे पांव अब मंजिल से पहले दम नहीं लेंगे, हमारी राह के रोड़े भले मैनाक हो जाएं। और तेरी महफिल में सच सुनने का दम कोई नहीं रखता, अभी खींच जाए तलवारें जो हम अभी खींच जाए तलवारें जो हम बेबाक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई डॉक्टर नागेंद्र जी की पहचान है, एक एक शेर में कितना कुछ कह जाते हैं। ये दो तीन शेर तो वाकई बड़े लाजवाब, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली चीजें, मतलब कितनी बड़े दर्द को, कितनी बड़ी बातों को कितने आसानी से, कितने आसान लहजों में कह जाते हैं और बयां कर जाते हैं अपनी शेर के माध्यम से, अपने गजलों के माध्यम से। भाई नागेंद्र जी, इनका कोई जवाब नहीं है, मैं क्या कहूँ इनके लिए, बस इतना कहूंगा साहब की दिल की तस्वीर तूने अभी नहीं देखी है। बहुत बहुत बड़ा नाम हमारे देश का डॉक्टर नागेंद्र अनुज और आज के दौर में बनता जा रहा है। और मैं इस बात को बड़े ही दावे के साथ कहता हूं कि बड़े दमदारी के साथ ये बात रखना चाहता हूं कि आने वाले दौर में डॉक्टर नागेंद्र अनुज के शेर के माध्यम से, गजलों के माध्यम से पूरा देश जाना जाएगा साहब की दिल की तस्वीर तूने अभी नहीं देखी है, दिल की तस्वीर तूने अभी नहीं देखी है अपनी तकदीर तूने अभी नहीं देखी है। कितनी ताकत है तेरी फौलादी इरादों में, अपनी ताकत को तूने अभी नहीं देखी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आज के साहित्य जगत में, आज के तमाम मंचों के माध्यम से जिस प्रकार से फुहरता परोसी जा रही है, जिस प्रकार से हर शख्स रचनाकार के रूप में उपस्थित होकर अपने आवाज के दम पे गुनगुनाने का काम कर रहा है, अपने को बड़ा बताने का काम कर रहा है, वहीं पे आप उस विधा में काम कर रहे हैं, उस विधा में अध्ययन कर रहे हैं और आपकी प्रस्तुति, आपकी लाइनें, आपके शब्दों का चयन और आपकी सरलता वाकई हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया विजन चैनल को देता हूँ, अनूप पांडे जी को देता हूँ, जो बीच बीच में अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया विजन चैनल के माध्यम से हम जैसे साहित्यकारों को लाने का काम करते हैं, समाज के बीच रखने का काम करते हैं।